श्री श्री 108 बाबा की नारम जी के द्वार अंदर प्रवेश करने हेतु। देखिए यह द्वार है जो अंदर प्रवेश करने के लिए बनाया गया है। देखिए जरा अब अंदर की ओर जा रहे हैं। आज सब यहाँ का दृश्य आप लोगों को दिखाऊंगा, कैसा यहाँ का दृश्य है जो देवल गांव के हैं। यहाँ बाबा किनारम के दर्शन करने के लिए दो गेट बनाया गया है अंदर प्रवेश करने के लिए। ये पहले वाला गेट है और एक गेट बनाया गया है। इधर का देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है दृश्य, जरा देखिए इधर देखिए लील गाय बांधी हुई है यहाँ पर। देखिए आप लोग जरा इसे, और एक घोड़ा बांधा हुआ है जो अंदर है, और इधर भी देखिए लील गाय को। और यहाँ पर घोड़ा बांधा हुआ है, देखिए इधर। यह देखिए श्री श्री 108 बाबा किनारम जी का मठ है। देखिए यहाँ पर घंटी टांगा हुआ है। देखिए हम अब अंदर जाएंगे, यहाँ का दृश्य सब आप लोगों को दिखाएंगे, कितना अच्छा यहाँ का दृश्य है जरा। सील यहाँ पर देखिए आप लोग कितना टांगा गया है, जो देवल गांव के फुटबॉल में जो टीम यहाँ का जीतती है तो यही सील टांग दिया जाता है। बाबा किनारम का जन्म चंदौली जिले के रामगढ़ ग्राम में सन 1601 ईस्वी में हुआ था। बाबा किनारम का पिता का नाम अकबर सिंह तथा माता का नाम मनसा देवी। बाबा किनारम का देहांत 1770 ईस्वी में हुआ था। देखिए यहाँ पर बजरंग बली का मूर्ति था। देखिए जरा यहाँ का दृश्य नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है देखने पर। देखिए यह रामायण के सब बारे में लिखा गया है इस पे जो ऊपर लौक रहा है। देखिए सब उस पे चित्र जो बनाया हुआ है रामायण के बारे में बनाया गया है। देखिए यहाँ का दृश्य नज़ारा, इसमें बाहर निकलने के लिए इतने दरवाजे बनाए गए हैं जो सब तरफ हैं। देखिए इधर कृष्ण लीला के बारे में सब इधर दृश्य बनाया गया है। देखिए आप लोग बाबा किनारम की धरती देवल गांव, यहाँ दूर दूर से लोग बाबा किनारम का दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए
देखिए इधर का दृश्य आप लोग, यहाँ का जितने भी दृश्य हैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। ढोल नगाड़ा रखा हुआ है, और मैं बाहर निकल रहा हूँ। देखिए इधर का दृश्य कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देखिए जरा इधर का दृश्य। देखिए इधर का पेड़ पौधा कितना हरा भरा है। यहाँ का सब दृश्य आप लोग को आज दिखाने वाला हूँ। देखिए आप लोग, यहाँ पर एक हाथी आई हुई है। देखिए हाथी को जो 2021 में आई हुई है, आप लोग देखिए इधर मंदिरों का दृश्य। देखिए इधर कितना हरी भरी है। देखिए यहाँ पर ऊंट है। देखिए दूसरा गेट है जो अंदर प्रवेश करने के लिए है। देखिए यहाँ पर ऊंट ऊंट बांधा गया है, जो इसे रेगिस्तान का जहाज मानते हैं। देखिए यह पीपल का पेड़ है। देखिए इधर का दृश्य कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही। देखिए हाथी को जरा आप लोग, इधर का दृश्य देखिए। देखिए बाबा की नारम का समाधि यहाँ पर दिया गया है।
भगवान शिव का मंदिर है यह, देखिए। अब हम कुएं की ओर ले जा रहे हैं। जो किसी का बुखार आता है, जो ठीक नहीं हो पाता है, तो इस कुएं में आकर नहाने से, स्नान करने से बुखार छोड़ देता है और यहाँ पर अपने वस्त्र को छोड़ देते हैं। देखिए कुएं का दृश्य, इधर देखिए हंस हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं।